सो इसमें आपको 21 फीट गियर्स मिल जाते हैं जो कि एक्चुअल में शिमानो के है। लेट्स फर्स्ट डू दी व्हीली टेस्ट, इसकी ब्रेक टेस्ट करेंगे क्या परफॉर्मेंस आती है। 20 You asked me about getting a gear bicycle in budget. I said it's impossible until I searched on Amazon. And then I found this bicycle. This gets 21 speed gear and also fits in your budget. This is the Conqueror GX21 and it's sold under Lifelong brand on Amazon. So this is an entry-level bicycle. इसका जो frame है, that is cheap. ये beginners के लिए bicycle है. And ये आपकी cycle journey को start करने में help करेगी. It would let you enjoy the wind on your face, explore those spaces that you used to ignore while you were inside a sealed AC cabin. This bicycle was delivered to me. And आपने शायद इसकी story भी देखी होगी. I also unboxed it. इसके अंदर आपको tool kit मिल जाती है. And ये easily assemblable भी है. एंड थोड़ा सा री पॉइंट भी हुआ था बिकॉज इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था फ्री इंस्टॉलेशन, वहाँ से मुझे कॉल आई कि सर आपके असेंबल करने कब आ जाऊँ, मैं कब मैं खुद कर लूँगा, वो उसको हजम नहीं हुआ। फिर उसके सीनियर कॉल आया, सर आपने मेरे मैकेनिक को ये बोला कि आप खुद करोगे, मेरे को लगता है 4-5 घंटे वाले किसी फीमेल की कॉल आ गई, सर असेंबल आप खुद करोगे क्या, मतलब पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि सारे आपको कॉल करके पूछ रहे हैं। ऑल्सो जब मैं इस प्रोडक्ट को चेक कर रहा था अमेजन के ऊपर तो मैं स्वाइप करते हुए देखा कि मिलिंद सोवन ने इसको प्रमोट करा हुआ है। आई गेस ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस बाइसाइकिल ब्रांड। Let's first see the graphics of this bicycle. So इसके जो overall theme है, that is black. लेकिन अगर इसको decals देखेंगे, that is blue in color. There's also Conqueror written on the down tube and the brand Lifelong. वो इसके आपको rims से मिल जाता है and बहुत ही छोटे fonts में लिखा हुआ है। Let's also check the specification of this bicycle. So इसमें आपको 21 feet gears मिल जाते हैं, क्योंकि actual में Shimano के हैं, तो Shimano is kind of a reputed brand. पीछे अगर आप डीलर देखेंगे, दैट इज फ्रॉम शिमानो टूर्नी, ये एंटी लेवल बाइसाइकिल के डीलर पर आता है। अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको 3 गियर्स मिल जाते हैं एंड आप पीछे देखेंगे तो आपको 7 गियर्स मिल जाते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन इज 3/7, दैट इज 21 स्पीड। तो अगर आप ये वाले गियर्स यूज करेंगे तो अगर आपको अपहिल जाना है तो वो भी इजिली कर पाएंगे, अगर आपको डाउनहिल जाना है तो वो भी इजिली कर पाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे मुझे गियर की जरूरत है कि नहीं, बट आई वुड से जो डेली है वो सिटी भी आपको फ्लैट लगती है, लेकिन यहाँ पर भी अपहिल एंड डाउनहिल होते हैं इवन ऑन द रेगुलर रोड। बाकी आपको जो फ्लाईओवर्स होते हैं उस पर जाने के लिए भी आपको गियर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप फ्लाईओवर से नीचे आ रहे हैं तब भी आपको गियर्स की जरूरत पड़ती है बिकॉज ज्यादा आपकी केडेंस हो जाती है। मैंने एक और चीज नोटिस करी, इसमें आपको प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, समझ लो आपको गियर उतर जाता है, अगर आपको समझ लो चेन आपकी स्पोक्स पर टकरा गई तो उससे कई बार आपके स्पोक भी टूट जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत मिलती है। ये हर बाइसाइकिल में मिलती है, यहाँ पर मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज की जो क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली इसकी जो ब्लैक वाली चीज थी। इफ यू गॉन सी द हैंडल बार, यहाँ पर आपको इजी वाइज शिफ्टर्स मिल जाते हैं, सो आपके थम्स एंड फिंगर से ये वाले गियर्स ऑपरेट हो जाते हैं। The crank in this bicycle, this is from Force One. Now the main USP of this product are the tires, because these are kind of wide one. मैंने स्पेसिफिकेशन देखी थी, तो these are like 2.36 wide. Now 2.4 जो होता है MTB, that is the widest tire जो कि generally मिलता है, तो this is close to 2.4 only. एक चीज थी कि इसके जो tires हैं, these are kind of hybrid type tires. मतलब सारे grooves ही बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये लगते हैं. तो इस काइंड ऑफ बिल्ड फॉर सिटी। लेकिन जब मैंने वेबसाइट देखा तो वहाँ पर इसमें MTB के टायर दिए गए थे। आई गेस वो जो टायर है दैट इज रैल्सन वेक्टर, एंड ये वाला जो टायर है दिस इज ऑल्सो रैल्सन, लेकिन थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का टायर है, दिस काइंड ऑफ वेरी वाइड हाइब्रिड। मैं इसको जब राइड किया था मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया, काफी स्मूथनेस मिली, मुझे लगा था काफी हार्ड चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी कैटेगरी मैंने एक और बाइसाइकिल रिव्यू करी थी तो वो काफी ज्यादा हार्ड चल रही थी, ये इतनी हार्ड नहीं लगी मुझे। ऑल्सो जो इसका व्हील साइज है दैट इज 26 इंच, लेकिन जो टायर्स है वो ज्यादा वाइड है, उसकी वजह से जो आपकी फीलिंग आएगी दैट वुड बी क्लोज टू 27 साइकिल। इस बाइसाइकिल में भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, वो भी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा वीडियो में। यू ऑल्सो गेट फ्रंट सस्पेंशन इन दिस बाइसाइकिल टू एब्जॉर्ब द बम्प्स, एंड देयर इज ऑल्सो सिंगल बॉटल होल्डर माउंट जिसमें आप अपनी बॉटल भी अटैच कर सकते हैं टू बीट दिस समर्स हीट। जब इसको राइड कर रहा था मुझे काफी ज्यादा स्टर्डीनेस फील हुई इस बाइसाइकिल में। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट लिया असेंबल कर लिया, जिसकी इंजीनियरिंग है बाइसाइकिल की दैट इज काइंड ऑफ ग्रेट, एंड जो ओवरऑल लुक्स है इस बाइसाइकिल की वो भी काफी अच्छी लगती है एज इट इज बेस्ड ऑन दी ब्लैक थीम। I thought I should test this bicycle also. Let's first do the wheelie test. इसके लिए bicycle की आपको weight manage करना पड़ता है, and आपकी bicycle में gear होनी चाहिए, भी easily gear हो पाती है, wheelie लग पाती है। So that's a 2 in the front and पीछे first gear है। Okay. बहुत इजीली हो पा रही है। Now let's do the stoppy test कि इस bicycle में stoppy हो सकती है कि नहीं। उसके लिए आपको बहुत ही strong brakes चाहिए होती हैं। And look at this. Yes, it's possible. So just installed my GPS computer. And अब इस बाइसाइकिल पे हम इसकी ब्रेक टेस्ट करेंगे क्या परफॉर्मेंस आती है। एंड हम 20 की स्पीड पे जाएंगे एंड नाउ विल चेक आउट द ब्रेक्स। ओके दिस इज 12, 16,
20. This is close to 125 inch, 3.18 meters. हमने टेस्टिंग करी, सब कुछ कर लिया. ये बोल रहे हैं यहाँ स्टिक हो रही है, तो डेली ब्रेक्स में भी काफी अच्छे ब्रेक परफॉर्मेंस मिल गया. नाउ विल टेस्ट आउट ये 30 की स्पीड में क्या इसकी आती है. टेस्ट 25, 24, 26, 30. 5 plus 3.3, 8.3 at 20, 30 किलोमीटर एन आवर. सो हमारा जो अभी तक टेस्ट हुआ उसमें तो इसकी ब्रेक सबसे ज्यादा है. अगेन मैंने रीजन बता दिया कि इसकी जो ब्रेक परफॉर्मेंस है वो इसलिए ढीली आ गई क्योंकि भाई ब्रेक ढीली दोनों खत्म तो एक लगी थी खत्म. लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में इसकी ब्रेक टेस्ट करी थी बहुत परफॉर्मेंस की थी अच्छी. तो एज आई थिंक एज पर द प्राइस की जो ब्रेक परफॉर्मेंस है काफी सही है. ये बार रीटेस्ट होएगा कभी ना कभी फ्यूचर की वीडियो में देखना. जब इसकी ब्रेक प्रॉपर टाइट करूंगा मैं टूल्स नहीं है तब आप इसकी ब्रेक देखना बहुत सही. देन नोटिस कि इस पे जो रोटर है काफी ज्यादा एडवांस आपको दिया हुआ है. मतलब मैंने इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बाइसाइकल देखे, 4 or 5 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव. एंड उनमें जो रोटर थे वो ज्यादा एंटी लेवल थे. द वेट ऑफ द बाइसाइकल इज मेंशनड एज 19.5 ऑन द वेबसाइट. लेकिन जब मैंने अपनी टेस्ट में करा तो इसका 18.5 था. जितना लाइट वेट होता है बाइसाइकिल का उतनी बाइसाइकिल बेटर होती है. जो लोग इस बाइसाइकिल को बाय करेंगे दैट वुड बी बिगिनर्स एंड फर्स्ट टाइम ही बाइसाइकिल बाय करेंगे तो उनको मैं एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ. जो अपनी सही हाइट है हमेशा ऊपर करके रखें. मुझे पता है थोड़ा सा डेंजरस लगता है लेकिन ओवर द टाइम आपका बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड तभी आपकी पेडल की एफिशिएंसी आएगी वरना आपके पेन भी हो सकती है लेग्स में. एंड द सेकंड थिंग अगर आप इसका डिजाइन नोटिस करेंगे आपको दो बोल्ट्स मिलते हैं. मैंने काफी लोग ऐसे देखे बिगनर्स उसको टाइट कर देते हैं. वो एडजस्टमेंट बोल्ट्स होते हैं उसको टाइट नहीं करना आपको वैसे ही रखना है ना. एंड सो एडजस्टमेंट अगर आपको करने तो मैं अलग आपको वीडियो दे दूंगा वहां पे एडजस्टमेंट सीख सकते हैं. एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस्ड एंड मैं इस साइकिल के आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ. सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट कि ये बाइसाइकिल ओवर पैक्ड थी. मतलब फ्रेम के अंदर से मुझे यहाँ पे प्लास्टिक उतारने पड़ रहे थे, वायर के अंदर से थे. इधर उधर आपको हर जगह प्लास्टिक दिख रहे होंगे. इवन एक जगह ऐसी है जहां पे अभी तक मुझे प्लास्टिक रिमूव भी नहीं करा बिकॉज उसके लिए मुझे डिस्क रोटर खोलना पड़ेगा. फॉर मी दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज क्योंकि आई थिंक इंडियन ऑडियंस को हो सकता है ये चीजें पसंद आए बिकॉज उनको प्रोटेक्शन बहुत पसंद आती है. एंड मैंने देखा 6-6 महीने तक मुझे बीप मारना पड़ेगा जो मैंने बोला ठीक है. मैंने इसे नोटिस किया 6-6 महीने तक वो लोग अपना प्लास्टिक भी नहीं उतारते हैं तो मे बी ऐसी चीजें उनको बहुत पसंद आएगी. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज था इसकी जो ग्रिप है वो काफी मुझे एंटी रेवल लगी. थोड़ी सी मुझे फीलिंग भी इसकी नॉर्मल सी लगी एंड मैं रोटेट करके देखा तो वो भी इजिली रोटेट हो पा रही. एज इज बाइसाइकिल इज फॉर बिगनर्स आप इसकी ग्रिप जो होती है वो भी चेंज करा सकते हैं. एंड एक चीज जरूर ध्यान रखना ग्लव जरूर पहनना वरना आपकी बहुत ज्यादा रैशेज आएंगे. तो इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 27.5 मिलता है, एक 26 मिलता है. जो मेरा वेरिएंट है दैट इज 26 एंड जो 27.5 वेरिएंट है उस पर ये लिखा हुआ था कि 5'6" हाइट जो होती है उससे प्लस लोग आराम से चला सकते हैं. जो मेरी हाइट है दैट इज क्लोज टू 5'6" एंड 5'7" उसके बीच में. तो अभी भी चेकआउट कर सकते हैं कि मेरी हाइट इस पर कैसे सूट कर रही है. नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन आई गेस दिस इज अ ग्रेट बाइसाइकिल एट ग्रेट प्राइस एंड शायद आपको बिहाइंड द सीन्स भी पता लगेगा. मैंने जब इसका प्राइस बताया था अपने कैमरामैन को वो भी हैरान हो गया था. उसने इससे डबल अज्यूम करा था बिकॉज इसको घर पे आपकी डिलीवरी हो रही है. देन असेंबलिंग वो फ्री में कर रहे हैं तो दैट इज अ ग्रेट पॉइंट. साथ में आई डोंट थिंक कि शिमानो के आपको इस प्राइस में मिल सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल इज दैट कि इसमें आपको जो ब्रेक्स मिलती है दैट आर ऑल्सो वेरी पावरफुल. तो आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर अ बिगिनर. अगर आपको फर्स्ट टाइम साइकिल खरीदनी है ग्रेट बाइसाइकिल एट ग्रेट प्राइस. मतलब रेगुलरली प्राइस देखोगे मेरी जो नॉर्मल बाइसाइकिल होती है 1 lakh की 1.5 lakhs की उस हिसाब से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है. आई थिंक ये रोड पे ज्यादा चलेगी. 99% इसको लोग रोड पे ही चलाएंगे. एंड आई थिंक उस हिसाब से इसके जो टायर्स है दिस आर ऑप्टिमाइज्ड एज अ रोड बाइसाइकिल. तो दैट इज आई गेस सेगवे एंड इंडिया गेट में आप कभी भी आओ राष्ट्रपति वन के आसपास आओ ये आपको देखेंगे स्पेशली ऑन संडेज. आजकल मेरे को लगता नहीं दिख रहे ना. बड़ा मजेदार चीज़ है. इसने उसको उड़ाया था ना जो फास्टेस्ट रनर है देख के उड़ाया. दिस बाइसाइकिल इज मेंट टू स्टार्ट योर साइकिलिंग जर्नी. ग्रास क्योंकि आजकल वो उस टाइप की आई हुई है तो ग्रास पे किसी ने नाम वाम लिखा हुआ है. भाई यहाँ ब्रेक टेस्ट चल रही है लोग इतने आ गए कहाँ से ब्रेक टेस्ट होगी. नाउ लेट्स सी द प्राइस ऑफ दिस बाइसाइकिल फ्रॉम शिमानो ग्रेट बाइसाइकिल एट ₹. तो बहुत कम है यार लिखा बहुत. मैं भी हैरान था पर्सनली गेस कर रहा था कि 15 के अराउंड होगी. 15 के अराउंड हाफ हो गया तेरा जितना तूने वो भी ऑनलाइन घर पे असेंबलिंग के साथ. एंड आपको बेस्ट डील देखनी है तो आप अमेज़न पे चेकआउट कर सकते हैं. उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा. तो आप लेटेस्ट प्राइस भी चेकआउट कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. ये बाइसाइकिल आपको कैसी लगी आप उसके बारे में बता सकते हैं. ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दैट इज फैट बैक वैभव. इसकी अनबॉक्सिंग भी आ जाएगी मेरे सेकंड चैनल पे तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं दैट इज फैट बैक वैभव 2. एंड दिस फैट बैक वैभव साइनिंग ऑफ. मीडिया करूँ फर्स्ट फील होगी इस पर. ओके 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 पहली बार में नहीं हुई. वंस मोर हो गई